विदिशा जिले के कुरवाई तहसील के ग्राम भर्री से कुल्हार तक सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सरपंच के कार्यकाल में भी समतलीकरण का कार्य किया गया था। सरपंच विजय नारायण कटारे ने बताया कि ग्राम भर्री टपरी के 500 अवधि के लोगों को पक्की सड़क निर्माण न होने से वर्षा काल में 3 किलोमीटर घूमकर रेलवे ट्रैक पार कर कार्य के लिए कुल्हार जाना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी उस समय आती है जब ग्राम में कोई डिलीवरी पेशेंट हो और उसको उपचार के लिए बाहर ले जाना हो। छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने रेलवे ट्रैक पर से स्कूल जाना पड़ता है। कुल्हार स्कूल से जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते, माता पिता को चिंता लगी रहती है। पूर्व में भी ग्रामवासियों ने कई बार पक्की सड़क निर्माण की मांग उठा चुके हैं। वर्षों पहले ग्राम के लोगों ने पूर्व कलेक्टर MB ओझा को ज्ञापन दिया था, तब उन्होंने स्वीकृति के लिए भेजा था। बाद में राशि स्वीकृत भी हुई लेकिन सड़क नहीं बनी। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। भर्री से कुल्हार के लिए जिस सड़क का मरम्मत कार्य चल रहा है उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उसके लिए निजी तौर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उसको काफी दिनों से जो सड़क है जो खराब पड़ी हुई है और विगत 20 वर्षों से इसका प्रयास जारी है, लेकिन कहीं से भी इसकी कोई मरम्मत नहीं किया। इसके लिए नए रोड डालने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। सड़क निर्माण ना होने से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहली बात है बारिश में बच्चे जो है हमारे रेलवे ट्रैक से स्कूल जाते हैं 2.5-3 किलोमीटर पैदल चल के, और रेलवे क्रॉस से जाने में उनके लिए जीवन का खतरा भी रहता है। इसके हमने सबको अवगत कराया लेकिन इस पर किसी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। पूर्व में भी सड़क मरम्मत को लेकर क्या कोई कार्य किए गए हैं? नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। सड़क निर्माण के बनवाने के लिए पहले से कुछ प्रयास जारी हैं क्या? हाँ, ये सभी लोगों के लिए हमारे पास आवेदन रखे हुए हैं, सभी के लिए आवेदन दिए गए हैं। जहाँ जहाँ भी प्रयास करना था हम सब जगह प्रयास का कर चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।